मिसलेस तिवारी नहीं है, मिस्टेक तिवारी है। मिस्टेक से आ गए हैं, नहीं सम्राट चौधरी से डील हुआ है करोड़ों रुपए का, तब आए हैं मिस्टेक तिवारी। आनंद मिश्रा एक पढ़े लिखे इंसान है जो समाज और विकास और नौजवानों के लिए काम करेंगे, इसी उम्मीद के साथ हम लोग लगे हैं। टक्कर दे पाएंगे? टक्कर बिल्कुल दे रहे हैं, निकल रहे हैं यहाँ से। ये जो महागठबंधन बीजेपी है सब, कोई नहीं, जय आनंद, जय आनंद, कोई रोजगार नहीं है, सारा रोजगार को मार दिया गया है बिहार में। एनडीए के शासन में बने कहीं ना कहीं, तो आपको नहीं लगता है कि उन लोगों ने काम नहीं किया? नहीं 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 नहीं, अश्विनी चौबे एक बार धोखा दे चुके हैं। अश्विनी चौबे धोखा दे दिए, क्या बात बोलते हैं? भगवान के नाम पर खेल भी खेलते हैं क्या? खेल हो ही रहा है उनका इलाज, भाजपाइयों का इलाज अब की बार हो जाएगा। बेटी लोग का विकास हुआ है? नहीं हुआ है। अच्छी स्कूल मिली है? नहीं मिला है। तो अरे सांसद उनके तो इसीलिए ना, वो बाहर ही था लेकर चले गए एम्स भागलपुर में। ये हमारे साथ इनके काफिले में कुछ यूथ है और इनकी सोच देखिए क्या, क्यों लग रहे हैं इनके पीछे, आनंद मिश्रा के पीछे? आनंद मिश्रा के पीछे लगे हैं कि सब लोग आज के जमाना में, सब पॉलिटिक्स में चाटकाटा का जमाना आ गया है। आनंद मिश्रा एक पढ़े लिखे इंसान है जो समाज और विकास और नौजवानों के लिए काम करेंगे, इसी उम्मीद के साथ हम लोग लगे हैं। आपको क्या लगता है कि सर जिस तरीके से बक्सर के लिए खड़े आए हुए हैं, इन आप लोगों की इस क्या इच्छा है? हम लोग की इच्छा हमारे धरातल से है, यहाँ के जितना भी सामाजिक, टक्कर दे पाएंगे? टक्कर बिल्कुल दे रहे हैं, निकल रहे हैं यहाँ से, यहाँ से निकल रहे हैं। बीजेपी तो बहुत कुछ बोलती है, बोलने से क्या, बोलने से कुछ नहीं है। बीजेपी कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, ऐसी बात है। लेकिन महागठबंधन भी जोर लगा रखी है। जय आनंद, जय जय है, पूरा जय जय एकदम। ये जो महागठबंधन बीजेपी है सब, कोई नहीं, कोई नहीं, जय आनंद, जय आनंद, पूरा जय में हुआ है, जय आनंद, जय आनंद, जय आनंद, जय आनंद हो जाएगी, कोई नहीं है टक्कर में, पूरा पूरा। क्या है विकास का मुद्दा? विकास का मुद्दा क्या? विकास का मुद्दा पढ़े लिखे इंसान है, विकास सारे जगह इनका दिख रहा है, घूम रहे पढ़े लिखे वो करके, कोई रोजगार नहीं है, सारा रोजगार को मार दिया गया है बिहार में, कोई रोजगार नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, पढ़ लिख करके घूम रहे हैं नौजवान। कितना पढ़े लिखे हैं? हम ग्रेजुएट हैं। अभी तक आप रोजगार आपको नहीं मिली? नहीं अभी तक नहीं मिली है, कोई रोजगार नहीं है। मूल समस्या क्या है बक्सर की? बक्सर की समस्या बक्सर का कोई विकास ही नहीं है, बक्सर के लिए शिक्षा नहीं है, संख्या नहीं है, कुछ भी नहीं है। इतने सांसद बने एनडीए के शासन में बने कहीं ना कहीं, तो आपको नहीं लगता है कि उन लोगों ने काम नहीं किया? नहीं 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 नहीं, काम एक बाहर आ रहे थे, अश्विनी चौबे एक बार धोखा दे चुके हैं। अश्विनी चौबे धोखा दे दिए, क्या बात बोलते हैं? वो तो राम जी के का झंडा कुछ नहीं हुआ, राम जी का कुछ नहीं, यहाँ पे हॉस्पिटल भी नहीं बन पाया। लोग है सब लोग राम और भगवान को मानते हैं, उनसे कहा कोई बचने वाला? भगवान के नाम पर खेल भी खेलते हैं क्या? खेल हो ही रहा है। आपको क्या लगता है कि अश्विनी चौबे जी धोखा दिए है बक्सर के लिए? पूरा अभी तक कोई सांसद नहीं मिला कि जो बक्सर की विकास कर सका हो, अभी तक कोई भी सांसद नहीं। बाहरी लाने का जो रोग हो गया है, अब की बार इलाज उसका हो जाएगा। वो बाहरी थे वो क्या? वो बाहरी थी, भागलपुर के थे, यहाँ कहीं भागलपुर ले गए, उनका इलाज भाजपाइयों का इलाज अब की बार हो जाएगा। तो इसीलिए काम नहीं किया उन्होंने ना, यही कहना है। बहुत सालों के बाद इतना शिक्षित हम लोग, हम लोग का बक्सर का विकास बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा, दिलाएंगे बहुत ही हम लोग प्रसन्न है कि अगर नहीं जीतेंगे तो बिहार का विकास होने वाला नहीं है। जमीनी जमीनी अपने मतलब एसी वाले लाइफ को छोड़ करके धूप में और इस तरीके से जनता का सेवा कर रहे हैं, क्या आप लोगों का साथ इनको मिल जाएगा? एकदम एकदम मिलेगा, पूरा फूल हम लोग का, फूल सपोर्ट है पूरा नौजवान हम लोग का। अब कई सा फूल में जाके दे आए तो नहीं नहीं, हम लोग का हम लोग का सेव का बटन छोड़ेगा कहीं, बटन नहीं दबेगा हमारी फूल, सारा नौजवान के सपोर्ट, पूरा पूरा वोट जाएगा आनंद सिंह में, पूरा हमारा भोलनी भवानी घर पड़ेगा, हमारा पूरा सपोर्ट है भोलनी भवानी की तरफ से आनंद मिश्रा को, पूरा सेव वहीं बटन। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सत्यम पांडे नाम पड़ेगा, भोलनी से, भोलनी नाम से भीम सिराना नाम पड़ेगा हमारा, दिनारा विधानसभा से बिलोंग करते हैं और दिल से आनंद मिश्रा जी के लिए हम लोग लगे हुए कार्य में। अच्छा, उधर भोजपुरी का काराकाट में स्टार लगा हुआ है तो उसका क्या, वो भी निर्दलीय है? हम लोग का विश्वास नहीं है, सिर्फ आनंद मिश्रा पे लगे हुए हैं, बहुमत संख्या से इनको हम लोग, ये जमीनी नेता है, जमीनी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पढ़े लिखे शिक्षित इंसान है, बहनों की रक्षा,
बच्चर का विकास आज तक हुआ ही नहीं, नहीं हुआ है, झूठ बोलते हैं। बेटी लोग का विकास हुआ है, नहीं हुआ है, अच्छी स्कूल मिली है, नहीं मिला है। तो स्कूल के बारे में क्या कहेंगे, सरकारी स्कूल के? स्कूल यहाँ पर सब तंग है, सब तंग है। आज तक एक यूनिवर्सिटी नहीं है यहाँ पे, यूनिवर्सिटी नहीं है। क्या जिला है तो यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं रह सकता है? तो भाई एनडीए की सरकार थी, सांसद उनके थी। अरे सांसद उनके थे इसीलिए ना वो बाहर ही था, लेकर चले गए एम्स भागलपुर में, हुआ दूसरा जगह लेकर चला गया। हम लोग सब लोग भागलपुर, यहाँ के चौबे, यहाँ भागलपुर लेकर चला गया। फूल फूल जो है वो फिजूल है, फूल फिजूल है, फूल फिजूल है, और क्या डायलॉग है? और इस तरह का कोई अब भूल करने वाले हैं हम लोग है नहीं। आबादी कितनी है यहाँ की? यहाँ की आबादी 19 लाख है, 19 लाख है, 6 विधानसभा होगी, 19 लाख है। तिवारी वोट कटवा है, और मिथिलेश तिवारी को उन पर बीजेपी मिथिलेश तिवारी है ही नहीं, मिथिलेश मिथिलेश कोई और होता। मिथिलेश तिवारी तो कहते हैं कि हम इनको चुटकी में उड़ा देंगे। मिथिलेश तिवारी नहीं है, मिस्टेक तिवारी है, मिस्टेक से आ गए हैं वो, मिस्टेक तिवारी है, मिस्टेक से वो आया है। और वहाँ तो उनपे सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं सम्राट चौधरी से डील हुआ है करोड़ों रुपए का, तब आया है मिस्टेक तिवारी। बड़ी बात, हाँ हुआ है, हुआ है। मैं बड़ी बात कर रहा हूँ, बीजेपी के संगठन के जो सबसे बड़े कद्दावर बॉस हैं उनके साथ तरह तरह का डील हुआ है। अच्छा, हाँ, अब उसको चर्चा हमने का कहने में भी तरह तरह का प्रोपेगेंडा उठा। देखिए मैं बता दूं आपको कि देखिए इन लोगों को कहीं ना कहीं लग रहा है कि बहुत बड़ी डील हुई है, इसीलिए मिथिलेश तिवारी को बक्सर से टिकट दिया। बाहरी नहीं चाहते हैं, आनंद मिश्रा को चाहते हैं। आने वाला समय तय करेगा, ये जो है ये सबसे बड़ा वो दिन होगा जिस दिन यहाँ से किसकी जीत होगी किसकी हार होगी। मैं बबीता मिश्रा आपके साथ देशवा न्यूज। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।